हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और यह होंडा ऑर्नेट 2.0 का BS6 फेस 2 वर्जन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बाइक के इंजन की। तो इसमें आपको मिलता है एक 184.40 सीसी का 4 स्ट्रोक SI एयर कूल्ड इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 12.7 किलोवाट की मैक्स पावर 8500 RPM पर और 15.9 न्यूटन मीटर का टॉर्क 6000 RPM पर। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जिसमें कि RPM मीटर, स्पीडोमीटर, डिजिटल क्लॉक, ट्रिप मीटर, फ्यूल गोज और गियर पोजीशन इंडिकेटर है। यहाँ पर एप्स लाइट, गियर न्यूट्रल इंडिकेटर, चेक इंजन लाइट और हाई बीम लाइट और यहाँ पर टर्न सिग्नल लाइट है। फ्यूल टैंक पर ही की इग्निशन फंक्शनैलिटी मिलती है, जो कि इसे बाकी बाइक से काफ़ी अलग बनाती है। E20 फ्लेक्स फ्यूल से चलने वाला इंजन है, जो कि अब आपको और भी बेहतर माइलेज निकाल कर देगा। 12 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और 1.9 लीटर की रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी है। बीच में कुछ कार्बन फाइबर ट्रीटमेंट दिया गया है। 790 mm हाइट और 590 mm लेंथ के साथ स्पोर्टी डुअल सीट है। स्प्लिट ग्रैब रेल्स है। पीछे काफ़ी ब्राइट LED टेल लैंप, होंडा की बैजिंग, कार्बन फाइबर फिनिश और स्टाइलिश LED विंकर्स मिलेंगे। साइड में प्लास्टिक और आयरन कॉम्बिनेशन के साथ सारी गार्ड दिया गया है। यहाँ पर टायर प्रेशर डिटेल्स दी गई है। सिंगल राइडर के साथ फ्रंट और रियर दोनों टायर्स में 25 PSI और पिलियन और राइडर दोनों के साथ फ्रंट टायर में 25 PSI और रियर टायर में 29 PSI प्रेशर रखना है। साइड और सेंटर दोनों स्टैंड मिलेंगे। 5-speed गियर बॉक्स है। टैंक काउल पर 2.0 के ग्राफिक्स, 3D में होंडा विंग का लोगो और हॉर्नेट के नए ग्राफिक्स हैं। पुराने डिज़ाइन के साथ रियर व्यू मिरर्स हैं। यहाँ पर लो हाई बीम स्विच, टर्न इंडिकेटर स्विच और हॉर्न बटन है। दूसरी तरफ इंजन गिल स्विच, हजार्ड स्विच और इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन है। देखते हैं आगे की तरफ। तो आगे भी इसमें LED टर्न सिग्नल्स और लो हाई बीम LED हेडलैम्प है। जलाकर देखते हैं। यहाँ पर होंडा की बैजिंग दी गई है, LED टर्न सिग्नल। तो इस बाइक में आपको मिलेगी सिंगल चैनल एप्स की फंक्शनैलिटी, जबकि मिलने चाहिए थे डुअल चैनल एप्स। फ्रंट में 276 mm का पेटल डिस्क ब्रेक मिलेगा विद सिंगल चैनल एप्स। शोवा के गोल्डन USD फोर्क्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के माने जाते हैं। आगे 110x70 17 inch का ट्यूबलेस टायर मिलता है। यहाँ पर रेड कलर स्ट्रिप्स के साथ इंजन काउल है। यहाँ से आप इंजन ऑयल चेक या फिल कर सकते हो। रियर ब्रेक पैडल, पिलियन फुटरेस्ट, मैट ब्लैक फिनिश के साथ एक स्पोर्टी एग्जॉस्ट मिलेगा। पीछे 220 mm का पेटल डिस्क ब्रेक है। 140x70 17 inch का ट्यूबलेस टायर और कैनिस्टर के साथ रियर मोनोशॉक सस्पेंशन है। पहली जनरेशन से ही काफ़ी वाइड टायर दे रखा है कंपनी ने, जो कि एक अच्छी ग्रिप हैंडल करने में हेल्प करता है बाइक की। रियर काउल पर कुछ ग्रे और रेड कलर के ग्राफिक्स हैं। स्प्लिट ग्रैब रेल्स हैं। बात करें अगर बाइक के डाइमेंशंस की, तो इसमें 2034 mm की लेंथ, 1064 mm हाइट, 783 mm विड्थ और 1355 mm का व्हील बेस मिलता है। 167 mm की ग्राउंड क्लियरेंस और 142 kg कर वेट है बाइक का। 61 mm बोर और 63.096 mm स्ट्रोक है। वेट मल्टीप्लेट क्लच, CDI इग्निशन, 9:5:1 कंप्रेशन रेशियो और डायमंड टाइप चेसी फ्रेम है। पियरल इग्नियस ब्लैक, मैट एक्सिस ग्रे मेटैलिक, मैट मार्वल ब्लू मेटैलिक और मैट सांग्रिया रेड मेटैलिक जैसे 4 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। 3 साल की स्टैंडर्ड वारंटी और 7 साल की ऑप्शनल सर्विस वारंटी ऑफर करती है कंपनी। 171,000 to 176,000 ऑन रोड प्राइस है बाइक का। बाकी लोकेशंस के अकॉर्डिंग प्राइस अलग हो सकता है। 45 से 50 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज और 130 से 135 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है। नवंबर 2015 में पहली बार लॉन्च किया था होंडा ने हॉर्नेट को। उस टाइम पर काफ़ी पसंद भी किया था लोगों ने, लेकिन कुछ कमियों की वजह से मार्केट में ज़्यादा बिक नहीं पाई है बाइक। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।